शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बात करेंगे मासिक राशिफल और अगस्त 2023 कैसा बीतेगा मेष लग्न वाले जातकों के लिए। वर्ड मैंने क्लियरली बताया है, लग्न के अनुसार इसको देखना है, राशि के अनुसार इसको मत देखिएगा। अगर आपको लगन नहीं पता है तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप अपना लगन चेक कर सकते हैं। इस पूरे महीने बेसिकली एक अधिक मास ऑलरेडी चल रहा है, भोलेनाथ का समय चल रहा है, सावन का महीना, और अधिक मास लगने के कारण जल की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा इस समय भी दिखाई दे रही है। और इस पूरे महीने अगर ट्रांजिट किसी ग्रह का होगा तो शुक्र देवता जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी होकर अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 अगस्त को। तत्पश्चात 17 अगस्त को सूर्य की संक्रांति होगी, सूर्य स्वराशि में पहुंच जाएंगे, अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के राशि परिवर्तन के जस्ट अगले दिन मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल देवता जो सिंह में चल रहे थे वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। 24 अगस्त एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर बुध देवता वक्री हो जाएंगे, तो आइए हम समझते हैं इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, और इन सभी को समझने के बाद हम स्ट्रिक्टली यहाँ पे समझेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। देखिए, स्वास्थ्य का जो ओवरऑल कंडीशन बन रही है आपके चार्ट में, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। पहले से अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। महीने के मध्य में थोड़ा बहुत मन जो रहेगा बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है और नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है, लेकिन महीने के अंत तक आते आते स्वास्थ्य आपका अति उत्तम हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करने वाले हैं। अब हम पारिवारिक जीवन की बात, देखिए पारिवारिक जीवन को लेकर मन मुटाव हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है और गलत मित्रों की संगति में पड़ने के कारण आपके पिता के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद और पिता बहुत नाराज रहेंगे। गलत मित्रों की संगति में आने से कोई गलत कार्य अगर आप करते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि महीने के मध्य में पारिवारिक माहौल जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है, महीने का मध्य बहुत खतरनाक हो सकता है पारिवारिक जीवन को लेकर। महीने के अंत में मैं देखूँ तो परिवार के सदस्य के प्रति जिम्मेदारियों आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिसको आपको उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा महीना जो रहेगा कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे आपका करियर कैसा बीतने वाला, आपका शिक्षा कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थी वर्गों के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना इस पूरे महीने करना पड़ सकता है, परंतु यही चुनौतियां भविष्य में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। परेशानियों से घबराने की जगह अगर उसका डट कर सामना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी जो रहेंगे वो रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हालांकि मन बहुत कम इस आपके अध्ययन के प्रति रहेगा, इसलिए पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है और पूरे परिवार में जो है तनाव की स्थिति हो सकती है। अब हम बात करेंगे नौकरी और व्यापार के बारे में।
देखिए, मन नौकरी से हट कर काम अन्य कामों में ज़्यादा लगेगा और काम शुरू करने की, अपना ही काम शुरू करने की योजना बनाने लगेंगे। सरकारी नौकरी जो है लोग कर रहे हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है, यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नौकरी से हटकर समाज सेवा में आपका आकर्षण बढ़ सकता है। व्यापार में आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना भी मुझे दिख रही है। लंबे समय से अटका हुआ अगर कोई पैसा है तो उसके मिलने की संभावना भी दिख रही है। हालांकि महीने के अंत में परिवार के सभी सदस्यों का आपका सहयोग मिलेगा, ये आपके लिए काफी पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे आपका प्रेम जीवन यानी लव रोमांस कैसा रहने वाला है। तालमेल ना होने के कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में खुशियाँ में थोड़ी कमी हो सकती है। जीवन साथी के प्रति विश्वास पहले की अपेक्षा हालांकि मजबूत होगा, लेकिन महीने के मध्य में छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिए। जो अविवाहित लोग हैं और विवाह करने की सोच रहे हैं उन्हें इस माह भी निराशा ही हाथ लगेगी। जल्दीबाजी में किसी भी रिश्तों में आगे बढ़ने की जगह आपको सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा मुश्किल वाला समय हो सकता है और महीने का जो शुरुआत है उसमें खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से हानि होने की संभावना भी है। व्यापार क्षेत्र में लाभ ना मिलने की संभावना मेष लग्न में बन रही है। व्यापार क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से थोड़ी कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ सकती है और इस कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालाँकि कहा जाए कुल मिलाकर व्यापार में लाभ कमाना थोड़ा सा मुश्किल इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए और आपको प्रत्येक चीज़ों को मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। देखिए, प्रतिदिन ओम दुर्गाय नमः का जाप करें और प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः का जाप कीजिए। मंगलवार का अगर आप उपवास करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा बीत सकता है। एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, मेष लग्न वाले जातकों का जो भी स्थिति बताई गई है ये केवल गोचर का परिणाम है। अंतिम परिणाम आपकी दशांतर दशा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन गोचर में प्रत्येक मेष लग्न पर इसका कम या अधिक प्रभाव हो सकता है और एक ये संभावना जो मैं चेक कर रहा हूँ, आप ज़रूर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगस्त राशिफल 2023 में आपको कैसा फील हुआ, जब ये अगस्त के महीने ख़त्म हो जाएंगे तब आप इसका फीडबैक दीजिएगा तो पता चलेगा कि जो कैलकुलेशन चल रही है वो ठीक है या नहीं है। इससे पहले जुलाई के लिए बहुत सारे लोगों का ईमेल आया और उन्होंने धन्यवाद भी कहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और ये महीना जो परेशानी रहेगा, संक्षेप में अगर आपको बताया था, स्वास्थ्य, अगर आपका कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ेंगी। और बाकी भी चीज़ें मैंने थोड़ा बताया, आर्थिक स्थिति के रूप में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था मेष लग्न वाले जातकों का अगस्त का राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।